हेलो, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। सोशल मीडिया को लेकर अक्सर ये बातें कही जाती हैं कि यहाँ मूर्खों और कुंठित लोगों की जमात भरी पड़ी है और ये गाये बगाए अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। मशहूर सिंगर चिन्मय श्रीपदा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनका सामना एक ऐसे कुंठित इंसान से हो गया जिसका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो हुआ कुछ ऐसे कि इंस्टाग्राम पर एक कुंठित इंसान ने चिन्मय से न्यूड तस्वीरें भेजने के लिए कहा। न्यूड मतलब बिना कपड़ों। एमके द डॉन नाम के यूजर ने चिन्मय को पर्सनल मैसेज भेजकर न्यूड तस्वीरें मांगी। अक्सर ऐसा होता है कि जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं वो ऐसे मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन चिन्मय ने ऐसा नहीं किया। वो चुप नहीं रही, उन्होंने उस कुंठित इंसान को एक करारा जवाब दिया। वो कैसे? वो बिल्कुल चौंकाने वाले अंदाज में है और आप खुद ही पहले उसे देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। चिन्मय का ये जवाब लाजवाब था। क्यों? क्योंकि चिन्मय ने न्यूड लिपस्टिक जो होती है उसके कुछ शेड्स भेजते हुए लिखा, मेरे कुछ पसंदीदा न्यूड। चिन्मय के जवाब से सामने वाले इंसान की बोलती तो बंद हो ही गई, यहाँ तक कि उसने अपना अकाउंट जो था वो भी डिलीट कर दिया। चिन्मय ने इस बातचीत का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर किया, जिसके बाद लोग उनकी काफ़ी सराहना करने लगे। जैसे आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, एग्जैक्टली कई लोगों ने लिखा और हंसने वाला स्माइली डाल दिया, फिर एक बच्चे की ऐसे उन्होंने एक जिफ लगा दी, GIF इमेज, और लिख दिया दैट्स नॉट वॉट ही एक्सपेक्टेड। अच्छा, फिर कुछ दिन पहले की आपको बात बताते हैं कि इसी तरीके का एक वाक्य और भी हुआ था। महेश बाबू जो सुपरस्टार हैं, उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें डाली जिसमें उन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ था, मतलब नो मेकअप, एग्जैक्टली नो मेकअप लुक। तो जिसके बाद उसको देखा किसी यूज़र ने और उनसे पूछ डाला कि क्या वो डिप्रेशन में है जो उन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ। नम्रता ने उस यूज़र को ऐसा जवाब दिया कि मतलब सभी लोग जितने भी उस चैट में थे, जो भी कमेंट करने वाले, उन्होंने सब ने ही उसको लताड़ दिया। दूसरी तरफ जब देश में मीटू मूवमेंट चल रहा था उस दौर में भी चिन्मय का नाम खबरों में आया था। चिन्मय ने तमिल लिरिसिस्ट पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मामले को दबाने के लिए उन्हें धमकियां मिली थी, साथ ही समझौता करने के ऑफर भी दिए गए थे। चिन्मय श्रीपदा बॉलीवुड में चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के गाने से फेमस हुई थी और इसके बाद उन्होंने टू स्टेट्स और हंसी तो फंसी जैसी फिल्मों के लिए भी गाने गाए। चिन्मय खासकर साउथ इंडियन फिल्मों में ही गाना गाती है। सिंगर होने के साथ साथ वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट, टीवी प्रेजेंटर और रेडियो जॉकी के तौर पर भी काम करती है। आपको कैसी लगी ये खबर ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। अगर आप देख रहे हैं इसे फेसबुक पर तो हमारा पेज लाइक कर लीजिएगा और फिर कमेंट करिएगा, और अगर आप इसे देख रहे हैं यूट्यूब पर तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ऐप तो हम आपको बार बार कह ही रहे हैं, लल्लन टॉप की ऐप को एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर ही लीजिए। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल, और आसान भाषा में पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।